हजरत जनाब रजी साहब तशरीफ ला चुके हैं, जनाब अर्शी वास्ती साहब, जनाब बिलाल काजमी साहब, जनाब मारूफ सिरसवी साहब, सोहेल बस्तवी साहब, चंदन फैजाबादी साहब, वकार सुल्तान बोरी साहब और मारूफ सिरसवी साहब, मौलाना हसन मेदी मीरपुरी साहब, तमाम शोराए कराम माशाल्लाह से तशरीफ ला चुके हैं। लिहाजा जोहर सुल्तानपुरी को मैं बुलाने जा रहा हूँ। जिस तरह से रनों में इस्तकबाल होता है उसी अंदाज में इस्तकबाल करिएगा। आपका शायर आपके हवाले, नारे तकबीर। नहीं नहीं, अभी तो जाग रहे, अभी तो महफिल शुरू हुई, इंशाल्लाह सुबह की नमाज तक ये महफिल चलनी है। दोनों हाथों को बुलंद करिए, नारे तकबीर, आवाज निकालिएगा ताकि आसमान तक ये आवाज जाए, पूरे रनों तक ये आवाज गूंजे, जो सो रहे हैं वो महफिल में आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। अब मैं बहुत ही अदब और एहतराम से आवाज दे रहा हूँ जनाब जोहर सुल्तानपुरी साहब, इनके इस्तकबाल में बावाज बुलंद नारे सलवा। हाज़िरीन महफ़िल, सलामुन अलैकुम। मैं कारपोरेटर भैया, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दीजिए। यहीं से एक मतला नशार पेश करता हूँ, मुलाहज़ा फरमाएंगे। एक बाबा से बना नाराई सलवा, मतलब पेश करता हूँ। सुलह हसन से दीने खुदा का वेकार है, कायम इन्हीं के दम से जहां में जहाँ में बहार है, फिर वक्त का यजीद उठाता है अपना सर, फिर वक्त का यजीद उठाता है अपना सर। ऐ वक्त के हुसैन तेरा इंतजार है, वक्त के हुसैन तेरा इंतजार है, ऐ वक्त के हुसैन तेरा इंतजार है, हुसैन तेरा इंतजार है। मौला हमारी दे तुम्हारा ज़हूर है, मौला हमारी दे तुम्हारा ज़हूर है। कब आओगे जोहर तेरा बेकरार है, कब आओगे जोहर तेरा बेकरार है, कब आओगे हुसैन तेरा बेकरार है। हजरात यहीं से मतलब पेश करता हूं और आपकी बेदारी चाहता हूं। कल का मिसरा शिया कॉलेज जौनपुर में मिसरा हुआ था, हुसैन वाले जमाने के छाए जाते हैं। मतलब बतौर खास पेश करता हूं, लहजा फरमाएंगे।
यहाँ जो फर्श अज़ा के बिछाए जाते हैं, यहाँ जो फर्श अज़ा के बिछाए जाते हैं, यहाँ जो फर्श अज़ा के बिछाए जाते हैं, ये लग रहा है जिना से मंगाए जाते हैं, ये लग रहा है जिना से मंगाए जाते हैं। हज़रात जो हज़रात बाहर खड़े हैं और जो सामने मेरे खड़े हुए उनके लिए शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएंगे। बताओ कैसे उन्हें अपने सर पे बिठलाए, बताओ कैसे उन्हें अपने सर पे बिठलाए, जो लोग बज़्म में नबी से उठाए जाते हैं, जो लोग बज़्म में नबी से उठाए जाते हैं। सलामत रहें। उठाए जाते हैं। हज़रात ये शेर बतौर कात पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएंगे। इमाम बाड़ा नहीं है ये कारखाना है, बाहर वाले इमाम बाड़ा नहीं है ये कारखाना है, यहाँ पे आओ यहाँ हुर बनाए जाते हैं, पे आओ यहाँ हुर बना के जाते हैं। इमाम बाड़ा नहीं है ये कारखाना है, यहाँ पे आओ यहाँ हुर बना के जाते हैं। भी शेर बतौर कात पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएंगे। उतर के हूरे भी उनका तवाफ करती है, जो फूल ला के अलम पर चढ़ाए जाते हैं, जो फूल ला के अलम पर चढ़ाए जाते हैं, जो फूल ला के अलम पर चढ़ाए जाते हैं, जो फूल ला के अलम पर चढ़ाए जाते हैं, जो फूल ला के अलम पर चढ़ाए जाते हैं। तज़मीन पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएंगे। यज़ीद वालों को ये फिक्र मार डालेगी, हुसैन वाले ज़माने पे छाए जाते हैं, हुसैन वाले ज़माने पे छाए जाते हैं। छाए जाते हैं। हजरात ये शेर बतौर खास पेश करता हूँ, अगर पसंद आए तो दुआ दीजिएगा। नमाज रोजा हज सब फजूल है उनके, नमाज रोजा हज सब फजूल है उनके, नमाज रोजा हज सब फजूल है उनके, जो लोग माल यतीमों का खाए जाते हैं, जो लोग माल यतीमों का खाए जाते हैं, नमाज सलामत रहें। मिलके दोनों हाथों को बुलंद करके मिलके अली 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 अली
अली अली अली अली। जो लोग माल यतीमों का खाए जाते हैं, हुसैन जीत गए ये दलील है इसकी, इमाम बाल जो अब तक सजाए जाते हैं, इमाम बाल जो अब तक सजा से जाते हैं। हज़रात ये भी शेर मक्ते की शक्ल में पेश करता हूँ, लाज़ा फरमाएंगे। इमाम बाले जो अब तक सजाए जाते हैं, निसार हो न तशह पे इसीलिए तो ज़ुहैर, हबीब कर्बला में बुलाए जाते हैं, कर्बला में बुला हबीब कर्बला में बुलाए जाते हैं, हबीब कर्बला में बुलाए जाते हैं। हजरात बड़े भाई जनाब हसन अकबर साहब का हुक्म और आप सबकी मोहब्बत मैं हाजिर हुआ। अब यहीं से बिल्कुल नया कलाम पहली मरतबा यहाँ एक कलाम पेश करता हूँ, लाज़ा फरमाएंगे। इसकी रदीब है आसान नहीं है, पहली मरतबा बेदारी सुनिएगा भैया, पेश करता हूँ। उम्मत के लिए दाश्त में घर अपना लुटाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। उम्मत के लिए दश्त में घर अपना लुटाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। हाँ सजदे महबूद में सर अपना कटाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएंगे। तू नाम का असगर है मगर काम का अकबर, भैया बेदारी। तू नाम का असगर है मगर काम का अकबर, ये हौसला तेरा ही था छह माह के हैं दर, हल्के से तबा सुम से सितमगर को रुलाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। हल्के से तबा सुम से सितमगर को रुलाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। हाँ सजदे महबूद में से अपना कटाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। शेर पेश करता मुलाजा फरमाएंगे। यूं याद करे कोई भी रहमान को लेकिन आराम से पढ़ता रहे कुरान को लेकिन, अरे नज़े पे भी अल्लाह हक कुरान सुनाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। नज़े पे भी अल्लाह हक कुरान सुनाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। नज़े पे भी अल्लाह का कुरान सुनाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। हाँ
सजदाए माबूद में से अपना कटाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। शेर पेश करता मुलाजा फरमाएंगे, जन्नत पे नुमाया ये बड़ा राज है वरना शहजादी ये जन्नत का ये एजाज है वरना। अरे बच्चों के लिए खुल्द से कपड़ों को मंगाना बच्चों के लिए खुल्द से कपड़ों को मंगाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। हज़रात ये शेर बतौर खास पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं, बच्चों के लिए खुल्द से कपड़ों को मंगाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। शेर बतौर खाद पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएंगे, जब प्यास लगे दरिया पे सब जाते हैं लेकिन और जाके वहां पानी को पी लेते हैं लेकिन दरिया से बिना पानी पिए लौट के आना आसान नहीं है, पानी पिए लौट के आना आसान नहीं है, आसान नहीं है। हाँ सजदाए महबूब से अपना कटाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। बाबा से बुलंद नारे सलवात करें। हजरत एक मतलब नशा और पेश करता हूँ, भाई का हुक्म पेश करता हूँ, किस कदर सूखे गलों का रंग में हमला हो गया, किस कदर सूखे हमला हो गया, खंजरों को जान से जाने का खतरा हो गया, खंजरों को जान से जाने का खतरा हो गया। लेके तू चुल्लू में पानी डोबो मत ए हुरमुला, लेके तू चुल्लू में पानी डोबो मैं ए हुरमुला, एक बच्चे से सरे मैदान रुसवा हो गया, एक बच्चे से सरे मैदान रुसवा हो गया। जिस शेर के लिए बड़े भाई ने हुक्म दिया वो शेर पेश करता हूँ, समाप्त फरमाएंगे, एक बच्चे से सरे मैदान रुसवा हो गया, इसलिए हर ताजिए के साथ रहता है अलमा, इसलिए हर ताजिए के साथ रहता है अलमा, इसलिए हर ताजिए के साथ रहता है अलमो, ये न कोई कह सके भाई अकेला हो गया, ये न कोई कह सके भाई अकेला हो गया, ये न कोई कह सके भाई अकेला हो गया, सैकड़ों को कत्ल कर
के रन में बोले ये हबीब क्या समझ रखा है तुमने शेर बूढ़ा हो गया क्या समझ रखा है तुमने शेर बूढ़ा हो गया क्या समझ रखा है तुमने शेर बूढ़ा हो गया क्या समझ रखा है तुमने शेर बूढ़ा हो गया बाबा से बोला नारे सलवा इसलिए हर ताजिए के साथ रहता है अलम इसलिए हर ताजिए के साथ रहता है अलम ये न कोई कह सके भाई अकेला हो गया ये न कोई कह सके भाई अकेला हो गया मतलब पेश करता हूँ मुलाजा फरमाएंगे दिल ने किया है शाह की मिदहत का फैसला हर शेर करके जाएगा जन्नत का फैसला हर शेर करके जाएगा जन्नत का फैसला ऐ मौत दूर जा तेरा अब काम कुछ नहीं हुर कर रहे हैं शाह की नुसरत का फैसला हुर कर रहे हैं शाह की नुसरत का फैसला शेर बतौर खास पेश करता हूँ मुलाजा फरमाएंगे राहिब को सात बेटे दिए तो पता चला जो है हुसैन का वही कुदरत का फैसला जो है हुसैन का वही कुदरत का फैसला नौ लाख है दिलेर के असगर दिलेर है मैदान में होगा आज शुजात का फैसला 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 शेर पे शोर का मुलाजा फरमाएंगे ऐ हुर वो देख देते हैं अकबर अजान सुबह उठ जाके आज है तेरी किस्मत का फैसला उठ जाके आज है तेरी किस्मत का फैसला उठ जाके आज है तेरी किस्मत का फैसला ऐ तख्त तो ताज ऐ तख्त तो ताज एक सलवात पढ़े हजरात मैदान में होगा आज शुजात का फैसला ज़ैनब उठो मदीने से करबो बला चलो तुमको ही टालना है कयामत का फैसला तुमको ही टालना है कयामत का फैसला तुमको ही टालना है कयामत का फैसला तुमको ही टालना है कयामत का फैसला